स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंसान स्ट्रोम बायोलॉजी। होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे बने हुए हैं, उन्हें ये तो पता ही होगा कि हम कुछ दिनों से पीएचडी 2023 के एप्लीकेशंस की अपडेट्स आपको देते आ रहे हैं। तो आज यहाँ पे उसमें और एक एडिशन है, और यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है जो कि बाकी जो वीडियोज हमने डाले हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज उनका कोई नेशनल फेलोशिप उनके पास नहीं थी। बट आज हम जो वीडियो लाए हैं उनमें वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनके पास कोई नेशनल फेलोशिप्स नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो आज का जो वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, और ये आपकी आई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 33 हैं, तो यहाँ पे आपको काफी नंबर ऑफ सीट्स मिल रही हैं। इसके साथ ही आपका वर्क प्लेस क्या होगा वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और मेंशन कर रखा है कि आपका जो वर्क प्लेस होगा वो डिफाइंड नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप शिलोंग में फेलोशिप के ड्यूरेशन में आप पूरे शिलोंग में ही रहेंगे, या अगर आपका गैंगटॉक में हुआ है तो आप वहीं रहेंगे, तो ऐसा कोई एम्बाउंडमेंट नहीं है। तो ये चेंज हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे फेलोशिप देखें तो ये इक्विवेलेंट है नेट या और किसी नेशनल एग्जाम के, जो कि है आपका 31,000 पर मंथ, और इसके साथ ही जब आपका SRF हो जाएगा तो आपको 35,000 पर मंथ मिलेगा। और इसका जो ड्यूरेशन है फेलोशिप का वो है 2+1+2 ईयर्स। तो जो स्टूडेंट्स ये 2+1+2 देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं उनको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे उनका मतलब ये है कि 2 ईयर्स तक आप जूनियर रिसर्च फेलो होंगे, उसके बाद अगर इंस्टीट्यूट को आपका काम पसंद आता है तो आपका वो जैसे कंपनी में प्रमोशन होता है तो वैसे यहाँ पे आपका प्रमोशन होगा, और आपको 35,000 पर मंथ मिलेगा जिसका ड्यूरेशन होगा 1 ईयर। अगर 1 ईयर तक आपका काम सही रहता है, उन्हें अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्ट्री लगता है, तो ये ड्यूरेशन बढ़ के जो है वो 2 ईयर्स तक हो जाएगा। इसके साथ ही अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, जैसे कि मैंने शुरू में ही वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पे नेशनल फेलोशिप की जो एग्जाम्स हैं उसका कोई भी कंपल्सरी नहीं है, तो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई एग्जाम करा हो वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। बट यहाँ पे उनके पास MSc में 55% तो होना ही चाहिए, और ये मास्टर्स डिग्री सिर्फ बॉटनी वाले ही मतलब एलिजिबल हैं इसमें, और किसी फील्ड से अनफॉर्चुनेटली इसमें एलिजिबल नहीं है, बिकॉज ये आया ही बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से है। तो यहाँ पे सिर्फ बॉटनी वाले एलिजिबल हैं, और डिजायरेबल उनके लिए ये है कि अगर आपका प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट सिस्टमैटिक्स, अगर ऐसा कुछ रिलेटेड फील्ड से अगर आपका MSc है तो आप यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में। इसके साथ ही इसका एज लिमिट जो है वो बाकी सभी फेलोशिप्स की तरह ही है 28 ईयर्स, पर यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट्स को, जो कि है आपका 5 ईयर्स तक का। और इसके साथ ही OBC कैंडिडेट्स, चाहे वो मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, उन सबको यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो 3 ईयर्स का दिया हुआ है। अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको 400 फीस है जनरल की, और OBC की 200, और SC ST फिजिकली हैंडीकैप की है 100। तो फीस का देख सकते हैं आप कि इन्होंने काफी मिनिमल रखा हुआ है, तो आप जरूर अप्लाई करें क्योंकि काफी अच्छी पोस्ट है। और आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो वो यहाँ पे साइट दी हुई है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये PDF और इसके साथ ही जो और रिलेटेड साइट्स हैं जो आपको शायद काम आए, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। अगर पेपर पैटर्न की बात करें या पूरा प्रोसीजर की बात करें कि वो कैसे होगा, तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा। आप प्लीज एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा। और किस फॉर्मेट पे होगा? MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स होगा। और जो भी एग्जाम डिटेल्स है वो आपको पहले ही पता चल जाएंगी, वेबसाइट पे आप जाके अपडेट्स चेक करते रहिएगा। फिर रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और वो इंटरव्यू होगा इन सेंटर्स पे,
जो आपको यहाँ पे पॉइंट टू में मेंशन कर रखे हैं। पर यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी टी ए डी ए प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, ना ही कोई आपको रहने का कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करा जाएगा फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो आपको खुद ही पूरा मैनेज करना है एंड आप पूरा डिटेल्स इसमें देख सकते हैं। फिलहाल तो इस पेज पे उन्होंने, जैसे बाकी सभी एग्जाम्स में होता है कि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैरी नहीं कर रहे हैं और आपको आईडी कार्ड आपके पास एक होना ही चाहिए, वो आप इसमें पूरा चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आप प्लीज इंस्ट्रक्शंस को एक बार पूरा रीड करिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पे पूरा ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, पर हो सकता है जो पॉइंट्स मैंने नहीं बताए हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप प्लीज उसे चेक जरूर कर लिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो अगर आपको एग्जाम फॉर्म फिल करते समय अगर कुछ इश्यू होता है, आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसमें क्या करना है, या आपने फीस पे कर दी है और साइट पे नहीं दिखा रहा है, तो जो भी क्वेरी है फॉर्म से रिलेटेड, आप यहाँ पे स्क्रीन पे उन्होंने नंबर दे रखा है, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही थर्ड पेज पे उन्होंने पेमेंट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप अपना फी पे करेंगे एग्जाम का, और फी पे कैसे करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके साथ ही शुरू में जो हमने हाउ टू अप्लाई में लिंक देखा था, तो वो लिंक अगर आप पे क्लिक करेंगे उस लिंक पे, तो आपको ये वाला पोर्टल ओपन होगा जहाँ पे आपको पूरा अपना फॉर्म फिल करना है, पूरा डिटेल्स डालनी है, और ये स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा कि आपका फॉर्म किस स्टेप पे है। और जो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लीज क्लिक हेयर, तो ये जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सेम पीडीएफ आपके पास ओपन होगा, तो आप यहीं से चेक कर लीजिएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे दूंगी। तो अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो और हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए, और जो हमारे चैनल में पहले से बने हुए हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स, हम उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने हमें इतने कम टाइम में 100 सब्सक्राइबर्स दिए हैं, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करा है। और भी आप अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि सिर्फ 100 तक नहीं रुकना है, अभी हमें और भी व्यूवर्स चाहिए जिससे कि हम और लोगों को हेल्प कर सकें। तो थैंक यू सो मच, और अगर ऐसी और अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हम जल्द ही और वीडियोज लाने वाले हैं। और इसके साथ ही जिन लोगों ने हमारा वीडियो प्रीवियस वाले नहीं देखे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि टिफर का फर्स्ट वीडियो जो कि है स्ट्रैटेजी पे, वो मिहिर सर ने बनाया है और आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चेक करिए, और उसका नेक्स्ट पार्ट जो है शायद कल या परसों तक आ जाए, तो आप उसके लिए भी चेक कर लीजिएगा। और थैंक यू।